दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर स्पैम क्या होता है और हमारे मोबाइल में या ईमेल आईडी पे स्पैम मैसेज क्यों आते हैं, इनसे हम कैसे बचें। तो कुछ बेसिक जानकारी हम स्पैम मैसेज से संबंधित आपको देंगे, जिससे आप भी इन खतरनाक चीज़ों से बच सकें और अपने आप को सिक्योर रख सकें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों स्पैम उसको कहा जाता है जब आपके पास आपके बिना मर्जी के किसी अननोन पर्सन या कंपनी से कोई मैसेज लगातार बल्क में आ रहे हो। जैसे कि आपके पास मोबाइल पर इस तरह के मैसेज आते हैं, आप इस लिंक पे कीजिए, क्लिक कीजिए, आप लाखों कमाइए, आप इस सवालों का आंसर दीजिए, करोड़ों कमाइए, इस आंसर का देने पर आपको गिफ्ट मिलेगा, इस तरह के मैसेजेस आपको आपको मोबाइल पर देखने को मिले होंगे। ठीक है, आपको ईमेल आईडी पर जाएंगे आप तो ईमेल आईडी पर आपके पास इस तरह मैसेज आएगा कि आप इस लिंक पर क्लिक करके खरीदिए, ये बम्पर ऑफर चल रहा है, इतने परसेंट 60% ऑफ मोबाइल, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, आप ये ऑर्डर कीजिए, आपको इस तरह से आपको काफ़ी बेनिफिट लगेंगे, कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह के ईमेल आईडी पे भी स्पैम मैसेज आते हैं। अब दोस्तों ये आखिर क्यों आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि कुछ हैकर होते हैं और कुछ यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। दो एक तो सर्विस प्रोवाइडर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे किसी को कुछ सामान बेचना है, सपोज करो उसने कुछ चीज़ निकाली है, एक छोटा सा मोबाइल निकाला है, तो उसको जल्दी से जल्दी बिचवाना है, तो वो लगातार आपकी ईमेल आईडी पर भेजता रहेगा। ईमेल आईडी पर भेजने के बाद वो अगर 50 बार भेजता है, सपोज करो उसके पास कम से कम 1000 ईमेल आईडी हैं, 1000 ईमेल आईडी पे वो तीन बार वो सेट कर देता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, तीनों जगह तीनों टाइम पर फिक्स वो मेल करता है आपको। वो 1000 मेल आप 1000 मेल करेगा, वो हज़ारों व्यक्ति की ईमेल आईडी पर जाएगा, तो 1000 में से एक दिन में कोई ना कोई उस लिंक पर जरूर क्लिक करेगा। 1000 में से ऐसे व्यक्ति होंगे, एक या पांच लोग ऐसे होंगे तो वो खरीदेंगे। ठीक है, ऐसा ही हैकर का होता है, वो कम से कम काफ़ी लोगों को लगातार भेजते हैं और कोई ना कोई उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो फंस जाता है, तो वहाँ हज़ारों में से एक आदमी फंसता है। ठीक है, तो ये स्पैम होती है मैसेज, तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। ठीक है, हैकर के द्वारा फैले, लेकिन स्पैम स्पैम होता है। ठीक है, आप जबरदस्ती आप मेल या मोबाइल पर भेजे जा रहे मैसेज, तो वो जरूर ज़्यादा इरिटेशन भी हो जाता है। अब दोस्तों इनसे हम कैसे बचें, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप किसी लिंक पर क्लिक ना करें। दोस्तों यदि आप क्लिक कर देते हैं जाने अनजाने में, ठीक है, तो आप पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ना खोलें, अगर खोल भी लेते हैं तो उसमें अपनी डिटेल बिल्कुल फिल ना करें। ठीक है, तो लिंक पर क्लिक करने के बावजूद आप पेमेंट डिटेल वगैरह डालते हैं या बाय करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें, नहीं तो आप फंस सकते हो। आप ज़रूर परचेस करेंगे क्योंकि ऑफ़र एक्साइटेड होते हैं, तो काफ़ी अच्छे ऑफ़र होते हैं, तो अट्रैक्शन दे जाता है, तो हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसके लिए। दूसरी बात, आपको अननोन मोबाइल नंबर से जो जानती नहीं है कोई बराबर और मैसेज कर रहा है, तो उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दें। ठीक है, ब्लॉक करने से क्या होगा, बाद में वो द्वारा आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से ब्लॉक करें। ठीक है, उसका और भी जानकारी आप किसी कॉल सेंटर को दें। इस प्रकार की कोई अगर मोबाइल नंबर पर ज़्यादा ही बार मैसेज आ रहे हैं तो उनको इग्नोर करें। ठीक है, उन पर बिल्कुल क्लिक ना करें। अब दोस्तों क्या है ईमेल आईडी अनसब्सक्राइब। दोस्तों ईमेल आईडी में आपको एक सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का भी फंक्शन मिलता है, तो आप उस ईमेल आईडी पर पर्टिकुलर ईमेल आईडी को आप ब्लॉक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अनसब्सक्राइबर करने से ईमेल आईडी में जो आपके फालतू स्पैम मैसेज आ रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो तीनों कंडीशन में आपको करना क्या है, लिंक पर क्लिक ना करें, मोबाइल नंबर ब्लॉक करें, ईमेल आईडी अनसब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप स्पैम से बच जाएंगे। तो आई होप आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।